राजस्थान के बारा छिपाब डॉट उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के सारथल पुलिस थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी बिलेंडी क्षेत्र के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर परवन बृहद सिंचाई परियोजना में आए डूब क्षेत्र के परिवारों को पुनर्वास के चेक वितरण करने के दौरान हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में ताला लगाकर विरोध प्रकट किया। डूब क्षेत्र के पीड़ित एवं किसान महापंचायत राजस्थान प्रदेश छिपाब डॉट एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष रणजीत सिंह मालोनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि ग्राम पंचायत बिलेंडी मुख्यालय स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा परवन बृहद सिंचाई परियोजना में आए डूब क्षेत्र के परिवारों को पुनर्वास के चेक वितरण किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ढिलाई बरती जा रही है। कर्मचारियों द्वारा एक दिन में एक गांव के चेक वितरण किए जा रहे हैं और एक गांव में करीबन 300 से अधिक चेक वितरण होने हैं, लेकिन एक दिन में एक ही गांव का नंबर होने के कारण दूसरे गांव का नंबर नहीं आने के कारण लोगों का जमावड़ा लग गया और चेक वितरणों में जमकर अव्यवस्थाएं हुई। सिंचाई परियोजना के तहत जो चेक वितरण किए जा रहे हैं उसमें अव्यवस्थाएं जल सिंचाई विभाग के द्वारा बहुत ज्यादा की जा रही है। एक गांव को एक दिन में ये चेक नहीं बांट पा रहे हैं, तीन तीन दिन में बांट रहे हैं, जबकि एक एक दिन की तारीख दे रखी है। तीन तीन चार चार गाँव के लोग इकट्ठे हो चुके हैं और ये एक दिन में मात्र 100 चेक बांट रहे हैं और जबकि एक एक गांव के तीन तीन चार चार 100 चेक है, फिर भी ये अव्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। सब सब गांवों के यहाँ पे आके अव्यवस्था खराब हो रही है। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं फिर भी उनको व्यवस्था नहीं मिले, पता नहीं कहाँ कहाँ से बुजुर्ग महिला और बीमार व्यक्ति भी आ रहे हैं। वो पता नहीं क्या स्थिति है, कोई किसी की कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से नंबर नंबर 100 साल के बुजुर्ग है ना, बीमार व्यक्ति भी यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा कोई सुध नहीं ले की जा रही है। अभी पानी भी है ना, बड़ी मुश्किल से चालू हुआ है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।